हेलो एवरीवन, मैं कल्पना अपने चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो जैसे आप देख पा रहे हैं कि हमारा पर्यावरण अबर एनवायरनमेंट, तो आज हमें देखना है अबर एनवायरनमेंट। पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि जो हमारा अबर एनवायरनमेंट वाला आपका चैप्टर है, तो आपका जो पर्यावरण है वो खुद अपने आप में एक पूरा सब्जेक्ट है, ठीक है, और बहुत बड़ा सब्जेक्ट है आपका, वो अच्छा है, ठीक है। मतलब पूरा पर्यावरण के बारे में चीज़ें दी हुई हैं, तो वो तो हम पढ़ेंगे जब पढ़ेंगे अपना सब्जेक्ट। इधर पे आपको थोड़ी बहुत जानकारी दी हुई है, तो उसको हम देख लेते हैं। और देखिए, ये जो आपका 15 नंबर चैप्टर है, यानी आपका सेकंड लास्ट चैप्टर बचा हुआ है। इस चैप्टर के बाद आपके पास एक और चैप्टर है, उसको हम देखेंगे। इसके बाद आपका 10th का साइंस समाप्त हो जाएगा, ठीक है। और ये आपका चैप्टर जो है छोटा है, इसलिए इसको हम एक पार्ट में ही कवर करने वाले हैं, आपका एक ही पार्ट में कवर हो जाएगा। इन्होंने बोल रखा है कि आप पर्यावरण शब्द से परिचित हैं, तो बिल्कुल हम पर्यावरण शब्द से परिचित हैं, यानी इन्वायरमेंट से हम परिचित हैं। इस शब्द का प्रयोग देखिए टेलीविजन पर, समाचार पत्रों में तथा हमारे आसपास लोगों द्वारा प्रयोग किया जाता है, बिल्कुल किया जाता है। हमारे बुजुर्ग हमसे कहते हैं कि अब वह पर्यावरण नहीं रहा जैसा पहले था, तो फिर उन्होंने भी पर्यावरण का उपयोग किया। देखिए, दूसरे कहते हैं हमें स्वस्थ पर्यावरण में काम करना चाहिए, तो फिर पर्यावरण का उपयोग किया। पर्यावरणीय समस्याओं पर चर्चा करने के लिए विकसित एवं विकासशील देशों के वैश्विक सम्मेलन भी नियमित रूप से होते हैं, यानी बड़े बड़े देश जो आपके विकास और विकसित देश हैं, उन सम्मेलन आपके होते हैं, मीटिंग होती है, सारे देश आके चर्चा करते हैं कि पर्यावरण को स्वस्थ कैसे रखा जाए, ठीक है। इस अध्याय में हम चर्चा करेंगे कि विभिन्न कारक पर्यावरण में किस प्रकार अन्योन क्रिया करते हैं तथा हम पर्यावरण पर क्या प्रभाव डालते हैं। तो देखते हैं कि कौन कौन से कारक किस प्रकार से आपके पर्यावरण पर प्रभाव डालते हैं, हम पर्यावरण पर किस प्रकार प्रभाव डालते हैं। देखिए, पारितंत्र के बारे में थोड़ी समझ लेते हैं। पारितंत्र, इसके संघटक क्या हैं, पारितंत्र और इसके संघटक क्या हैं, यानी यह किस किस चीज पर निर्भर करता है। देखिए, सभी जीव जैसे कि आपके पौधे, जंतु, सूक्ष्म जीव एवं मानव तथा भौतिक कारकों में परस्पर अन्योन क्रियाएं होती हैं, बिल्कुल आपकी एक दूसरे से हम लोग जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। अगर एक चीज खत्म हुई, एक चीज आपकी नहीं रही, मान लीजिए आपने पौधे नहीं लगाए, आपको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो आप कैसे जीवित रहेंगे, बताइए आप। इसलिए आपको पौधरोपण करना चाहिए, तो इस चीज का याद रखिए कि आपको पौधे आने चाहिए। देखिए, तथा प्रकृति में संतुलन बनाए रखते हैं, तो क्या करते हैं, प्रकृति में संतुलन बनाए रखते हैं, सही बात है। अगर प्रकृति में संतुलन नहीं रहेगा तो पृथ्वी आपकी रहेगी क्या, जीवन ही नहीं बचेगा वहां पे, ठीक है। किसी क्षेत्र के सभी जीव तथा वातावरण के अजैव कारक संयुक्त रूप से पारितंत्र बनाते हैं, क्या करते हैं। देखिए, किसी क्षेत्र के जीव यानी मतलब हम, पेड़ पौधे, जीव जंतु, गाय भैंस बकरी, ठीक है, वातावरण की अजैव घटक आपके क्या होंगे, वायु होगी आपकी, सूर्य का प्रकाश होगा, ये होते हैं आपके अजैव घटक। तो ये चीज़ें आपकी संयुक्त रूप से पारितंत्र बनाते हैं, यानी क्या करते हैं, ये सिस्टम बनाते हैं, ठीक है, आपका पारितंत्र सिस्टम बनाते हैं। अतः एक पारितंत्र में सभी जीवों के जैव घटक तथा अजैव घटक होते हैं, बिल्कुल जैव घटक भी होते हैं। भौतिक कारक देखिए, जैसे ताप, वर्षा, वायु, मृदा तथा खनिज इत्यादि अजैव घटक है। तो इस चीज को याद रखिएगा कि अजैव घटक कौन कौन से हैं, तो आपका टेम्परेचर आता है इसमें, वर्षा आती है, वायु आती है, मृदा आती है, खनिज आपके सब क्या है, अजैव घटक है। और जैव घटक में बात करें तो पेड़ पौधे और हम लोग और जीव जंतु आपके जो है सब आते हैं, तो आपके वो आते हैं जैव घटक। देखिए, उदाहरण के लिए यदि आप बगीचे में जाएं तो आपको विभिन्न पौधे यानी घास, वृक्ष, गुलाब, चमेली, सूरमुखी जैसे फूल वाले सजावटी पौधे तथा मेंढक, कीट, पक्षी जैसे जंतु दिखाई देंगे, बिल्कुल दिखाई देंगे। यह सभी सजीव परस्पर अन्योन क्रिया करते हैं क्रिया, एक दूसरे से सब कनेक्ट रहते हैं, ठीक है, तथा इनकी वृद्धि, जनन एवं अन्य क्रियाकलाप पारितंत्र के अजैव घटकों द्वारा प्रभावित होते हैं। अब देखिए, पारितंत्र के जो अजैव घटक इन्होंने बताए हैं, वो रखा है कि उनके द्वारा प्रभावित होते हैं, तो बिल्कुल उनके द्वारा जो है प्रभावित होते हैं। अब कैसे प्रभावित होते हैं, तो देखिए, जैसे आपके अजैव घटक क्या हैं, दिखेंगे आप, तो देखिए सूर्य का प्रकाश अजैव घटक है, देखिए, और देखिए तापमान, वर्षा, तो ये सब चीज़ें आपके अजैव घटक हैं। अब जब सूर्य का प्रकाश नहीं मिलेगा तो क्या क्रियाकलाप होगा, नहीं होगा ना, तो वही चीज़ तो दर पर हो जाती है कि एक दूसरे से सब क्या है, एक दूसरे प्रभावित हैं और एक दूसरे पर डिपेंड है। अतः एक बगीचा एक पारितंत्र, बिल्कुल हर एक आपका जो सिस्टम है वो अपने आप में पारितंत्र है। जैसे एक बगीचा पारितंत्र है, बंद तालाब तथा झील पारितंत्र के अनुदाहरण है, बिल्कुल अनुदाहरण है, ये प्राकृतिक पारितंत्र है, जबकि बगीचे तथा खेत मानव निर्मित पारितंत्र है। यानी अगर हम देखें तालाब या हम देखें बंद, तो ये तो कोई बोलता नहीं है कि भाई बंद को मैंने अपने घर में बना रखा है या बंद को मैंने बनाया था, ऐसे तो कोई बोलता नहीं है। यानी अगर बंद तालाब तथा झील है तो वो आपका कैसा है, वो आपका प्राकृतिक पारितंत्र है।
इसके अलावा जो हम घर में बगीचा बना लेते हैं, घर में नहीं यानी हमारी जो फील्ड होती है खेतों में जो हम बगीचे बना लेते हैं, या फिर हम खेत बनाते हैं उस पर खेती करते हैं, या फिर हम स्विमिंग पूल बना लेते हैं तालाब टाइप का छोटा सा घर में, तो वो आपका मानव निर्मित होता है। यानी जो आपके पारितंत्र हैं वो आपके प्राकृतिक भी हो सकते हैं और मानव निर्मित भी हो सकते हैं। मानव निर्मित यानी मानव द्वारा बनाए गए। देखिए हम पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं कि जीवन निर्वाह के आधार पर, जीवन अगर हमें अपना निर्वाह करना है तो जीवन निर्वाह के आधार पर जीवों को उत्पादक, उपभोक्ता एवं अपघटक वर्गों में बांटा गया है। किस प्रकार? उत्पादक, ठीक है इसको याद रखिएगा, किस कितने वर्गों में बांटा गया है? तीन। कौन कौन से? उत्पादक, उपभोक्ता तथा अपघटक। देखिए इसको आप किस प्रकार की चीजों को देखिएगा, आइए स्मरण करने का प्रयास करें। जो हमने स्वनिर्वाह पारितंत्र स्वयं बनाया था, कौन से जीव सूर्य के प्रकाश एवं क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बनिक पदार्थों से अकार्बनिक पदार्थों से कार्बनिक पदार्थ जैसे कि शर्करा एवं मंड का निर्माण करते हैं? ये क्या करते हैं, जैसे आपके कुछ जीव हैं तो वो प्रकाश संश्लेषण तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति अगर होगी तो वो क्या करते हैं कि उनके पास अकार्बनिक पदार्थ है तो उनको क्या करते हैं, वो कार्बनिक पदार्थों में बदल देते हैं, कार्बनिक यानी आपके शर्करा एवं मंड में निर्मित कर देते हैं। सभी हरे पादप एवं नील हरित शैवाल जिनमें प्रकाश संश्लेषण की क्षमता होती है इस वर्ग में आते हैं तथा इन्हें उत्पादक कहा जाता है। अभी हमने देखा था कि तीन भागों में बांटा गया, कौन कौन से? उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। अब हमने देखा कि उत्पादक में कौन कौन सी चीजें आती हैं, तो देखिएगा जितने भी आपके हरे पेड़ पौधे नीले हरे शैवाल हैं वो मतलब प्रकाश संश्लेषण की क्षमता रखते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्षमता यानी उनमें क्लोरोफिल पाया जाता है। अब जब वो प्रकाश संश्लेषण की क्षमता रखेंगे तो हम उनको क्या कहेंगे, हम उत्पादक वर्ग में रख देंगे। इस चीज को याद रखिएगा, हम उसको किस में रखेंगे, उत्पादक वर्ग में रखेंगे। अब देखिएगा चीजों को थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो देखिए क्या चीजें आपकी दी हुई हैं। जो आपके सभी जीव, इधर से देखिएगा, सभी जीव आपके जो हैं क्या करते हैं, सभी जीव प्रत्यक्ष तथा परोक्ष रूप से अपने निर्वाह हेतु उत्पादकों पर निर्भर होते हैं। अब इधर पे चीज को आप समझिएगा कि क्या करते हैं कि जितने भी आपके जीव जंतु हैं किस प्रकार से परोक्ष या मतलब डायरेक्ट तथा इनडायरेक्ट किसी भी प्रकार से क्या रहते हैं, उत्पादकों पर निर्भर रहते हैं। किस प्रकार से? अभी हमने देखा कि उत्पादक कौन कौन आते हैं, जो आपके प्रकाश संश्लेषण करते हैं जिनमें क्लोरोफिल पाया जाता है वो आपके उत्पाद की कैटेगरी में आते हैं। तो जो आपके प्रत्यक्ष तथा परोक्ष रूप से उत्पादकों पर निर्भर रहते हैं वो आपके उपभोक्ता में आते हैं। हम भी उपभोक्ता में ही आएंगे, क्योंकि जो हमें क्या करना पड़ता है, हरी सब्जी खानी हो या कुछ भी खाना हो तो हम पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं। और इसके अलावा अगर हमें ऑक्सीजन भी लेनी हो तो वो भी हम पेड़ पौधों से ही तो लेते हैं, पेड़ पौधे ही तो क्या करते हैं, ऑक्सीजन निकालते हैं, तो उसी ऑक्सीजन को तो हम लेते हैं। देखिएगा आगे चीजों को, ये जीव जो उत्पादक द्वारा उत्पादित भोजन पर प्रत्यक्ष तथा परोक्ष रूप से निर्भर करते हैं उनको हम उपभोक्ता कहते हैं। तो देखिए उपभोक्ता आपके मुख्यतः किस किस प्रकार के हो सकते हैं, तो देखिए एक तो आपका उपभोक्ता शाकाहारी भी हो सकता है, ठीक है, यानी साग सब्जी खाता हो सकता है आपका उपभोक्ता मांसाहारी हो, यानी जो उसमें क्या है, मैं बताऊँ आपको कि पेड़ पौधे हैं, ठीक है। अब पेड़ पौधों को मान लीजिए, पेड़ पौधे जो आपके हैं, मैं कह रही कि पेड़ पौधों को क्या किया, किसी मुर्गी ने खा लिए, ठीक है, या किसी हिरण ने खा लिए, हिरण नहीं आप मुर्गी मान लीजिए, अगर पेड़ पौधों को किसी मुर्गी ने खा लिए, अब वो मुर्गी क्या करते हैं, लोग उसे खा लेते हैं, मुर्गियों को हम लोग करते हैं ना ऐसा। तो जो उपभोक्ता है वो एक तो शाकाहारी भी हो सकते हैं, मांसाहारी भी हो सकते हैं तथा सर्वाहारी, यानी वो जीव जंतुओं को और साग सब्जी को भी खाते हैं तो सर्वाहारी हो जाएंगे, तथा परजीवी में बांटा गया है। यानी जो आपके उपभोक्ता है उनको भी चार भागों में बांटा गया है, उनको शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी, परजीवी, इनको भी चार भागों में बांटा गया है। क्या इनमें से प्रत्येक प्रकार के वर्ग के उदाहरण आप बता सकते हैं? तो देखिए जो शाकाहारी होता है साग सब्जी खाता है, मांसाहारी क्या करता है आपका मांस खाता है, सर्वाहारी साग सब्जी और मांस दोनों खाता है, और जो आपका परजीवी बांटा गया है तो दूसरों पर निर्भर रहने वाला भी आपका परजीवी कहलाता है। तो ये आपके, अब देखिएगा नेक्स्ट, इसका पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, ऐसी स्थिति की कल्पना कीजिए जब आप एक जीवशाला को साफ करना छोड़ दें, जीवशाला को ये उसको आप साफ करना छोड़ देते हैं तथा कुछ मछलियां एवं पौधे इनमें मर जाते हैं। अब आप सोचिए कि मछलियां और पौधे आपके मर चुके हैं उधर पे, तो उधर पे क्या होगा, यानी कोई आपका तालाब है उसमें मछलियां रहती हैं, उसमें पेड़ पौधे भी होंगे क्योंकि आपको पता है जलीय पौधे होते हैं, अगर वो उधर पे मर गए तो क्या होगा, आप खुद सोच सकते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि क्या होता है जब एक जीव मरता है? देखिए जीवाणु और कवक जैसे सूक्ष्म मृत जीव अवशेषों का अपमार्जन करते हैं। देखिए जीवाणु और कवक जैसे सूक्ष्म जीव, अब जो आपके सूक्ष्म जीव आते हैं
वो क्या करते हैं, तो वो देखिए क्या करेंगे, आपका जो जीव जंतु मर जाते हैं उनके अपमार्जन कर देते हैं, यानी उनका अपघटन कर देते हैं। तो जो सूक्ष्म जीव होंगे आपके अपघटक कहलाएंगे, तो अपमार्जक या अपघटक कहलाएंगे। तो तीसरी कैटेगरी बता दी हमने। आगे देखिएगा, क्योंकि ये जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल अकार्बनिक पदार्थों में बदल देते हैं जो मिट्टी में चले जाते हैं तथा पौधों द्वारा पुनः उपयोग में लाए जाते हैं। यानी कुछ आपकी मछलियाँ, पेड़ पौधे, जीव जंतु मर जाते हैं, तो देखिए उनमें क्या होता है कि जो आपके छोटे छोटे जीव जंतु होते हैं, वो छोटे छोटे आपके सूक्ष्म जीव होते हैं, जीव जंतु नहीं सूक्ष्म जीव, जो कि आपका अपघटक का कार्य करते हैं, तो वो उसको अपघटित कर देते हैं। अपघटित करने से क्या होता है कि ना तो हमें, हमारा पर्यावरण भी स्वच्छ रहेगा, क्योंकि अगर मछली मरती है तो जैसे तालाब है, तो वो तो पूरा तालाब आपका उधर पर बदबू हो जाएगा और भी जीव जंतुओं को नुकसान पहुंचेगा। लेकिन नहीं, उसमें जो आपके अपमार्जन होते हैं वो इनको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ के और इसको मिट्टी में मिला देते हैं और इनका जो होता है आपका इधर पे समाप्त हो जाती है, मछलियाँ हो या हम हो या कोई भी चीज़ हो, ठीक है। आगे देखिए, तो वो जो आपके होते हैं वो आपके अपघटक श्रेणी में आ जाते हैं, जो मिट्टी में चले जाते हैं तथा पौधों द्वारा अपना उपयोग में लाया जाते हैं। इनकी अनुपस्थिति में मृत जंतुओं एवं पौधों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, देखिएगा मृत जंतुओं और पौधों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर जो आपके मृत जंतु हैं वो अगर अपघटित ना किए जाए तो जो आपका पर्यावरण है बदबू से फैल जाएगा, ठीक है, तो बहुत बड़ा नुकसान होगा। क्या अपमार्जकों के ना रहने पर भी मृदा की प्राकृतिक पुनापूर्ति होती रहती है। अब कहाँ से होगी मृदा की प्राकृतिक पुनापूर्ति, जब मृदा से चीज़ें ली तो जाएंगी लेकिन मृदा को वापस नहीं दी जाएंगी, तो कहाँ से हो जाएगी। चलिए आगे देखिएगा इसको, देखिए आहार श्रृंखला एवं जाल, यहाँ पे हम फूड चेन पढ़ेंगे, इसको आप देख लीजिएगा थोड़ी, ठीक है। क्रियाकलाप 15.4 में, और इसमें 15.4 जो भी हो आप देख लीजिएगा, हमने जीवों की एक श्रृंखला बनाई, देख लेते हैं, श्रृंखला बनाई जो एक दूसरे का आहार करते हैं, अब आहार यानी एक दूसरे को खाते हैं। एक मिनट देखिए, इसको देख लीजिए आप, ठीक है, ये जो आपका इधर पर देख लीजिएगा, आपके पेड़ पौधे देखिए सबसे नीचे क्या हैं, आपके पेड़ पौधे हैं, ठीक है। अब पेड़ पौधे क्या करेंगे, आपके उत्पादक रहेंगे, ये क्या करेंगे, प्रकाश संश्लेषण करेंगे। अब क्या होगा, हिरण इसको खा लेगा, हिरण ने इसको खाया लेकिन शेर आके इसको खा लेगा, ये तो शाकाहारी है लेकिन ये आपका मांसाहारी, तो ये चीज़ होती है आपकी। ये रहा पेड़ पौधे, ये टिड्डा रहा तो इसने इसको खाया, घास ने टिड्डे को क्या किया, मेढक ने टिड्डे को खा लिया, सांप आया तो उसने मेढक को खा लिया, गिद्ध आया तो गिद्ध ने क्या किया, सांप को खा लिया। तो ये चीज़ होती है, एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। अब आप एक चीज़ और देखिए, इसको हम फूड चेन कहते हैं, यानी एक दूसरे पर आहार के लिए निर्भर रहना। और एक चीज़ आप सोचिए कि अगर मान लीजिए घास ही नहीं है, ठीक है, घास ही नहीं है यहाँ पर, या घास खत्म हो गया भाई, खत्म हो गया घास, ठीक है, अब खत्म होने के बाद जो टिड्डा होगा वो क्या खाएगा, उसके पास खाने के लिए कोई चीज़ नहीं बचेगी, तो टिड्डा मर जाएगा आपका। अब जो मेढक है आपका वो टिड्डे को खाता है, तो जब टिड्डा ही नहीं बचा, घास ही नहीं बची, तो मेढक कहाँ से बचेगा, दो चार दिन जीवित रहेगा वो मर जाएगा। अब जब मेढक नहीं बचा, मेढक को कौन खाता था, सांप खाता है, अब जब सांप इसको खाता है तो मेढक खत्म हो गया, ठीक, तो अब जब सांप का आहार खत्म हो गया तो सांप भी आपका खत्म हो जाएगा। अब देखिए गिद्ध किसको खाता है, सांप को, अब गिद्ध का आहार ही खत्म हो गया तो क्या होता है, आपका गिद्ध भी खत्म हो जाएगा। इसके कहने का मतलब है कि हम एक दूसरे पर निर्भर हैं, ठीक है, हम एक दूसरे पर निर्भर हैं। इसमें बताई गई है कि एक आपकी वन श्रृंखला बताई हुई है, ये वाली आपकी वन की श्रृंखला है, आपकी घास के मैदान की, आपकी तालाब वाली श्रृंखला है। तालाब में क्या होता है, आपके एक दूसरे को एक खाते रहते हैं और आराम से बने रहते हैं। अब देखिएगा इसको, जो हम देख रहे थे आहार श्रृंखला एवं जाल, तो देखिएगा विभिन्न जैविक स्तरों पर भाग लेने वाले जीवों की एक श्रृंखला आहार श्रृंखला का निर्माण करती है। यानी एक एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं आहार के लिए, तो वो आपकी क्या रहेगी, आहार श्रृंखला कहलाएगी। हमने उसको देख लिया है, समझ भी लिया है। आगे देखिएगा, अगर आप चीज़ों को आगे देखेंगे तो देखिए आगे चीज़ों में क्या दिया हुआ है। आहार श्रृंखला का प्रत्येक चरण अथवा कड़ी एक पोषी स्तर बनाता है, क्या बनाता है, एक पोषी स्तर बनाता है। इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा, इधर से आपके क्वेश्चन बनते हैं। तो देखिए आहार श्रृंखला का प्रत्येक चरण, यानी एक चरण से दूसरा चरण, दूसरे चरण से तीसरा चरण क्या करता है, एक पोषी स्तर बनाता है। अब देखिए स्वपोषी अथवा उत्पादक प्रथम श्रेणी में आते हैं। स्वपोषी आपके क्या कहलाते हैं, उत्पादक कहलाते हैं, या फिर उत्पादक आपके स्वपोषी कहलाते हैं। और ये उत्पादक और स्वपोषी कौन कहलाते हैं, जो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन खुद बनाते हैं और इनमें आपका क्लोरोफिल पाया जाता है। आगे देखिएगा, तो ये जो आपका है स्वपोषी क्या होता है, आपका प्रथम पोषी स्तर कहलाता है। इस चीज को याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है कि जो आपका स्वपोषी है, जो आपका उत्पादक या स्वपोषी है वो कौन से पोषी स्तर में आता है, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, इस प्रकार से आपके दिए जाते हैं, तो याद होना चाहिए प्रथम। अब देखिए कंफ्यूज लोग कहां पे होते हैं इसमें, देखिएगा मैं आपको बताऊं, तथा सौर ऊर्जा का स्थिरीकरण करके उसे विषम पोषियों अथवा उपभोक्ताओं के लिए उपलब्ध कराते हैं। क्या करते हैं, सौर ऊर्जा का उपयोग करके, यानी प्रकाश संश्लेषण करते हैं, और जो इनका जो उत्पादक बनाते हैं उसमें क्या करते हैं, आगे के लोगों को उपलब्ध कराते हैं, यानी उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराते हैं।
अब देखिए जो आपका उत्पादक हो गया, अब इसके बाद जो आपकी सेकंड लेयर आएगी वो क्या आ जाएगा आपका, आपका शाकाहारी अथवा प्रथम क्या आ जाएगा आपका, शाकाहारी यानी साग सब्जी खाने वाले। अब शाकाहारी आपका आ गया तो ये क्या कहलाएगा आपका, प्रथम आपका प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक पोषी स्तर। अब इसमें देखिए इसमें कन्फ्यूजन होते हैं लोग कि अभी तो हमने क्या देखा, उत्पादक, उत्पादक आ गया आपका प्रथम पोषी स्तर, लेकिन जब हम शाकाहारी यानी आपका प्राथमिक उपभोक्ता में आते, अब उपभोक्ता तो आपका प्राथमिक रहेगा लेकिन जो पोषी स्तर है वो आपका द्वितीय हो जाएगा, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। अब तीसरे नंबर पर अगर आप देखेंगे आगे बढ़ेंगे तो छोटे मांसाहारी आपको मिल जाएंगे, छोटे मांसाहारी आपके क्या कहलाते हैं, द्वितीयक उपभोक्ता कहलाएंगे। द्वितीयक उपभोक्ता क्या करते हैं, इनका पोषी स्तर कौन सा होता है आपका, तीसरा होता है। इसका देखिए बड़े मांसाहारी अथवा आपके तृतीयक उपभोक्ता, तो ये क्या करते हैं चौथे पोषी स्तर का निर्माण करते हैं। इसको आप छोड़ दीजिए, इसको थोड़ा आप समझते हैं, देखिएगा इसको जो आपका है, देखिए ये रहे आपके उत्पादक, ये आपके स्वपोषी कहलाएंगे, ये स्वपोषी कहलाएंगे लेकिन इनका जो पोषी स्तर होगा वो होगा आपका प्रथम पोषी स्तर, इस चीज को याद रखिएगा। जैसे हम प्रथम उपभोक्ता में जाते हैं आपके शाकाहारी हो जाएंगे, शाकाहारी यानी आपके क्या होंगे, इधर तो आपके उपभोक्ता तो प्रथम होगा, प्राथमिक होगा, लेकिन जो पोषी स्तर होगा वो आपका इधर पे द्वितीय हो जाएगा, क्योंकि जो प्रथम पोषी स्तर है वो तो आपका उत्पादक का है, ठीक है। अब हम तृतीय उपभोक्ता में जाएंगे, वो सॉरी द्वितीय उपभोक्ता में जाएंगे तो इनका पोषी स्तर तृतीय हो जाएगा, ठीक है, लेकिन हम तृतीय उपभोक्ता में जाएंगे तो इनका पोषी स्तर चौथा पोषी स्तर हो जाएगा, तो इस चीज को याद रखिएगा। एग्जाम में वाले क्वेश्चन आपके आते हैं वो लोग कंफ्यूजन होकर गलत करके चले जाते हैं। चलेगा इसको आगे देखिएगा, हमारा जो हो चुका है फर्स्ट पॉइंट आपका, देखिए इसको कहाँ से देखना था हमें, हम जानते हैं कि भोजन हम खाते हैं, हाँ देखिए इसको, देखिए इसको हमने देख लिया कि हमारे पोषी स्तर और किस प्रकार से आपके होते हैं। हम जानते हैं कि जो भोजन हम खाते हैं हमारे लिए ऊर्जा स्रोत का कार्य करता है, बिल्कुल अगर आप जो भोजन खाते हैं वो आपके लिए ऊर्जा स्रोत का काम करता है, तथा विभिन्न कार्यों के लिए ऊर्जा प्रदान करता है, बिल्कुल अगर हम भोजन नहीं खाते हैं तो कार्य भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है, और जब हम भोजन खाते हैं हमें ऊर्जा होती है तो हम अच्छे अच्छे काम कर लेते हैं, अथवा पर्यावरण के विभिन्न घटकों की परस्पर अन्योन क्रिया में निकाय के एक घटक से दूसरे घटक में ऊर्जा का प्रवाह होता है। इनके कहने का मतलब है आपने क्या था, इधर पे आपने क्या किया था कि जो सूर्य का प्रकाश है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जो आपका प्रकाश संश्लेषण हो रहा था, अब उसमें फल फ्रूट आपके लग रहे थे पेड़ पौधों में, वो हमने खाए, अब हम जो पेड़ पौधे वो सॉरी हमारी सब्जियां फिर पेड़ पौधे घास फूस जो भी खाएंगे तो उसमें क्या होगा, हमें ऊर्जा मिलेगी, और ऊर्जा जो मिलेगी तो आपकी एक से दूसरे में स्थानांतरित होगी, यानी जो हमने उत्पादक खाया तो प्रथम उपभोक्ता में ऊर्जा जाएगी। अब जाती कितनी है तो देखिए ओनली 10% ऊर्जा जाती है, आगे इसको देखेंगे, ठीक है। देखिए जैसा कि हम पढ़ चुके हैं स्वपोषी सौर प्रकाश में निहित ऊर्जा को ग्रहण करके रासायनिक ऊर्जा में बदल देता है, क्या करता है, जो स्वपोषी होता है वो प्रकाश में निहित है, जो उन्हें सूर्य का प्रकाश मिलता है तो ऊर्जा को ग्रहण करके रासायनिक ऊर्जा में बदल देता है। यह ऊर्जा संसार के संपूर्ण जीव समुदाय की सभी क्रियाओं के लिए संपादन में सहायता है। अब देखिए ऊर्जा तो हमें चाहिए ही है, ठीक है, तो जितने भी आपका जीव समुदाय है तो उसमें आपको ऊर्जा तो लगेगी ही। देखिए स्वपोषी से ऊर्जा विषमपोषी एवं अब घटकों तक जाती है, कैसे जाती है, देखिए स्वपोषी से कैसी जाएगी आपकी ऊर्जा, कहाँ जाएगी, विषमपोषी, यानी हम लोगों मान लीजिए स्वपोषी में से ऊर्जा आपकी विषमपोषी में जाएगी, विषमपोषी मान लीजिए आप हिरण, अब हिरण मर गया तो क्या होगा, अपघटक उसको क्या करेंगे, उसका जो है उसको मिट्टी में मिला देंगे छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित करके, ठीक है, उसका अपघटन कर देंगे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देंगे, वो मिट्टी में मिल जाएगी, ठीक है, लेकिन जो आपका उसमें क्या होगी, जो विषमपोषी आपका हिरण, वो हिरण से जो ऊर्जा जाएगी वो अपघटकों में जाएगी, यानी उससे ऊर्जा किसको मिलेगी आपकी, अब घटकों से मिलेगी। इसके कहने का मतलब है एक स्तर से दूसरे स्तर, दूसरे स्तर से तीसरे स्तर, इस प्रकार से ऊर्जा का वितरण होता है, लेकिन इधर पे आपकी कंडीशन भी होती है, आइए देखिएगा इसको। जैसे कि ऊर्जा के स्रोत नामक पिछले अध्याय में हमने जाना था कि जब ऊर्जा का एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन होता है तो पर्यावरण में ऊर्जा की कुछ मात्रा का अनुपयोगी ऊर्जा के रूप में हानि होता है, यानी ऊर्जा के स्रोत में हमने पढ़ा था, उधर पर हमने नाभिकीय ऊर्जा में हमने संलयन तथा विखंडन वाला आपका जो देखा था पॉइंट, तो देखिए जब उसमें संलयन हो रहा था, यानी जब दो आपके अणु मिल रहे थे तो इसमें कुछ ऊर्जा का क्षय हो रहा था, हानि हो रही थी, तब जाके एक अणु आपका एक न्यूक्लियर आपका बन रहा था, ठीक है, एक न्यूक्लियर बन रहा था। तो देखिए इसी प्रकार इसमें भी है, जब एक स्तर से दूसरे स्तर में आपकी ऊर्जा जाती है तो ऊर्जा का कुछ हानि होती है। देखिए पर्यावरण के विभिन्न घटकों के बीच ऊर्जा के प्रभाव का विस्तृत अध्ययन किया गया है तथा यह पाया गया है, क्या पाया गया है इसको थोड़ा समझते हैं। देखिए एक स्थलीय पारितंत्र, यानी स्थलीय यानी जलीय नहीं, इसको याद रखिएगा, जो आपके पारितंत्र एक जलीय भी होता है और एक स्थलीय भी आपका होता है, स्थलीय होगा यानी स्थल में होने वाला, जलीय यानी जल में होने वाला, इतने तो आप समझदार हैं। देखिएगा आगे
एक स्थलीय पारितंत्र में हरे पौधों की पत्तियों द्वारा प्राप्त होने वाली सौर ऊर्जा का लगभग 1% भाग खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। कहाँ पे जाता है? खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है, यानी जो खाने वाली चीज़ें उसमें परिवर्तित हो जाएगा। अब इसमें आपका क्या होता है कि जो चीज़ हम खाते हैं पेड़ पौधों से प्राप्त, हमने फल फ्रूट्स खाए, पालक पत्ती खाई या कुछ भी खाया, ठीक है, जब हरे पौधे प्राथमिक उपभोक्ता द्वारा खाए जाते हैं, यानी जो हम लोग हैं, यानी हम लोग मांसाहारी नहीं है, यानी जो कुछ लोग इसमें से मांसाहारी हो सकते हैं, जो कुछ लोग चिकन वगैरह खाते होंगे, लेकिन जो आपके शाकाहारी लोग हैं तो उनके बारे में बात कर रहा है, प्राथमिक उपभोक्ता के बारे में। तो देखिएगा, जब हरे पौधे प्राथमिक उपभोक्ता द्वारा खाए जाते हैं तो ऊर्जा की बड़ी मात्रा का पर्यावरण में ऊष्मा के रूप में हांस हो जाता है, यानी हानि हो जाती है उसकी, ठीक है। कुछ मात्रा का उपयोग पाचन, विभिन्न जैव कार्यों में, वृद्धि एवं जनन में होता है। खाए हुए भोजन की मात्रा का लगभग 10% ही जैव मात्रा में बदल पाता तथा अगले स्तर के उपभोक्ता को उपलब्ध होता है, यानी जो आपका फर्स्ट स्तर था उपभोग उत्पादक वाला, अब उत्पादक से कोई चीज हमें मिली, फल फ्रूट हमने खाया, तो उसका जो उसकी जो उसकी जो भोजन की मात्रा का लगभग 10%, यानी जो उसकी एनर्जी है और प्राथमिक उपभोक्ता में जाएगी वो ओनली 10% जाएगी, ठीक है। इस चीज़ को आपको गांठ बांध लेनी है कि आप एक स्तर से दूसरे स्तर में प्रवेश करते हैं तो उसमें से जो एनर्जी है वो 10% ही जाती है। इस चीज़ को याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है कि कितनी एनर्जी दूसरे स्तर में जाती है, तो आपकी 10% जाती है। देखिए, अतः हम कह सकते हैं कि प्रत्येक स्तर पर उपलब्ध कार्बनिक पदार्थों की मात्रा का औसतन 10% ही उपभोक्ता के अगले स्तर में जाता है। तो यही लाइन में आपको बार बार बताने की कोशिश कर रही हूँ, जो कि एनसीईआरटी ने साफ साफ शब्दों में लिख दिया है कि ओनली 10% ही उपभोक्ता के अगले स्तर में पहुँचती है चीज़ें, ठीक है, क्योंकि उपभोक्ता के अगले स्तर के लिए ऊर्जा की बहुत कम मात्रा उपलब्ध हो पाती है। कैसा होता है कि इसकी बहुत कम ऊर्जा की मात्रा उपलब्ध हो पाती है। अतः आहार श्रृंखला यानी फूड चेन सामान्यतः 3 अथवा 4 चरणों की होती है, हो सकता है 3 चरणों की हो, सकता 4 चरणों की हो, ठीक है। प्रत्येक चरण पर अभी मैं बताने वाली हूं, मैंने अभी आपको पूरा उधर पे एग्जांपल दिया है, जो मैंने आपको प्रकृति के जो उसमें आपका 15 पॉइंट 1 आप में जाएंगे ना, 15 पॉइंट 1 वाले में, तो उसको आपको दिख जाएगा किस प्रकार से 3 अथवा 4 चरण की है, ठीक है। आगे देखिएगा, प्रत्येक चरण पर ऊर्जा का हंस इतना अधिक होता है, यानी इतना ज्यादा हानि हो जाती है कि चौथे पोषी स्तर के बाद उपयोग ऊर्जा की मात्रा बहुत ही कम हो जाती है। अब इसमें क्या होता है, जब एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में चली जाती है इसमें ऊर्जा की मात्रा, तो वो कम होती जाती है। अब इस पर आप देखेंगे, इसमें आहार श्रृंखलाएं आपकी दी हुई हैं, अगर आप जलीय आहार श्रृंखला की बात करें तो इसको देखिएगा, थोड़ा सा देखिएगा आप इसका कि इसमें पेड़ पौधे हैं, इस पेड़ पौधे को किसने, कीड़ों ने खाया, इन कीड़ों को मछली ने खा लिया, इन मछली को एक क्या है आपका जो भी हो आपका इसको इसने खा लिया, बदक अदक बना हुआ है, और उस बदक को आकर किसने खा लिया, शेर ने खा लिया। अब इसको समझिएगा, मान लीजिए इसमें 100% ऊर्जा है आपकी इस वाले पौधे में, लेकिन अगर आप मछली पे जाएंगे तो मछली में कितनी ऊर्जा बचेगी आपकी, 10% बचेगी, ठीक है, तो कितनी बची, 10। अब जो 10% है वो कीड़े में जाएगी तो 10% जाएगी, लेकिन जब इस कीड़े को मछली खाएगी तो उसको 1% एनर्जी मिलेगी इससे, लेकिन अगर हम इसके ऊपर जाते हैं तो और आपको 0.1% मिलेगा, लेकिन 0.1% का हम 10% निकालेंगे तो देखिए 0.1% का 10% अगर हम निकालते हैं तो अगर आप इसको देखें तो देखिए 0.001 आपका इधर पे आ जाएगा, तो कितनी कम ऊर्जा हो जाती है। तो अब शेर जो है आपका इससे आगे आपकी नहीं जाएगी, यानी इसका जो स्तर देखिए 1, 2, 3, 4 यानी 5 तक इसका जा रहा है। वही चीज इधर पर बता रहा था कि इसके जो स्तर हैं 4 या 5 या 3 आपके हो जाते हैं श्रृंखला के। अब आप इसको देखेंगे तो इस प्रकार से आप देख लीजिए इसको, ठीक है, ये आपके बने हुए हैं सारे स्तर, इसको आप आसानी से देख सकते हैं, उसमें कुछ आपका कठिन नहीं है और आप इसको आसानी से देख लेंगे। देखिए इसका दूसरा पॉइंट देखते हैं हम, सामान्यतः निचले पोषी स्तर पर जीवों की संख्या अधिक होती है, मतलब यानी जो सबसे नीचे वाला पोषी स्तर होता है, अगर आप घास की बात करें इधर पे, घास और पेड़ पौधों की बात करें तो यहाँ पे जो जीवों की संख्या होगी सबसे अधिक होती है। आप वैसे भी देखिए इसमें धीरे धीरे किस प्रकार से कमती जा रही है संख्या इसकी, ठीक है, इसको आप देखिए इधर पे धीरे धीरे अगर आप ऊंचे ऊंचे पोषी स्तर में जाते हैं तो धीरे धीरे संख्याएं आपकी कमती जाती हैं। देखिए, अतः उत्पादक स्तर पर यह संख्या सर्वाधिक होती है, इस चीज को याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है कि जो आपका पोषी
स्थर है जो आपका पोषी स्थर है, तो कौन से पोषी स्थर में सर्वाधिक संख्या रहती है, ठीक है, सर्वाधिक संख्या रहेगी जीवों की, तो हमें पता होना चाहिए कि जो आपका फर्स्ट पोषी स्थर या फिर उत्पादक स्थर होता है उसमें संख्या सर्वाधिक रहती है, और सबसे कम कहाँ रहेगी आपकी, जो आपका लास्ट पोषी स्थर होगा। आगे देखिएगा, विभिन्न आहार श्रृंखलाओं की लंबाई एवं जटिलता में काफी अंतर होता है। बिल्कुल, सब आहार श्रृंखला आपकी लंबाई भी उसकी अलग अलग होगी, जटिलता भी काफी अलग अलग होगी। आमतौर पर प्रत्येक जीव दो या अधिक प्रकार के जीवों द्वारा खाए जाते हैं। एक जीव है आपका तो वो दो या अधिक जीवों द्वारा खाए जाते हैं। देखिएगा इसको, इसमें देखिएगा ये जो आपके पौधे हैं, इधर पे देखिए आप, इसमें एक पौधा दो पौधा, अब ये दोनों पौधों को ये चूहा खा सकता है। ये चूहे को पता है कौन खा सकता है, इसको बिल्ली भी खा सकती है और आपका सांप भी खा लेगा इसको। तो ये चीज़ इसमें दिखाई गई है। अगर आप इसमें देखेंगे और चीज़ों को देखेंगे तो देखिएगा इधर पर एक घास है आपका, घास 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 के बाद आपका इधर पर मेंढक आता है और मेंढक को आपका सांप भी खा लेगा, और जो आपका चीलबाज जो भी बना हुआ है तो ये भी आपका खा लेगा। तो वही चीज़ इसमें बता रहा है कि किस प्रकार से आपके एक दूसरे को खाया जाता है, जीवों के द्वारा एक दूसरे को खाए जाते हैं। तो देखिए इसमें और क्या है, कहाँ पे हम इसको देख रहे थे, तो देखिएगा इसको इधर पे देख रहे थे हम लोग। देखिए आमतौर पर प्रत्येक जीव दो या अधिक प्रकार के जीवों द्वारा खाए जाते हैं। तो यही चीज़ हमने देखी है, जो स्वयं अनेक प्रकार के जीवों का आहार होते हैं वो खुद जो है अनेक प्रकार के जीवों का आहार हो जाएंगे। देखिए जैसे मैंने अभी आपको मेंढक को बताया, मेंढक को किस किस ने खा लिया, इधर कुछ आपका बदक अदक बना हुआ है, इधर पर आपका सांप बना हुआ है। लेकिन अब हम सांप की बात करें तो इसको देखिए, इसको आप मोर भी खा लेगा सांप को, और ये आपका जो चीलबाज जो भी गिद्ध गिद्ध बना हुआ है, गिद्ध गिद्ध इसको खा लेगा सांप को, और मोर भी इसको खा लेगा। तो ये चीज़ होती है आपकी कि एक दूसरे को बस खा लेते हैं ये लोग, ठीक है। आगे देखिएगा, ये आपकी होती है फूड चेन, आहार श्रृंखला। इसके बाद देखेंगे, अतः एक सीधी आहार श्रृंखला के बजाय जीवों के मध्य आहार संबंध शाखान्वित होते हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब एक चीज किसी ने खाई तो वो ही खाएगा, एक चीज किसी ने खाई तो वो ही खाएगा। तो देखिए सीधी आहार श्रृंखला ना होकर शाखान्वित, यानी वो शाखाओं में बटी हुई होती है, इसे हम क्या कहते हैं, आहार जाल कहते हैं, ठीक है। अब इसको हम क्या कहेंगे, आहार जाल कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, ऊर्जा प्रवाह के चित्र में दो बातें स्पष्ट होती हैं। पहली, ऊर्जा का प्रवाह एक दिशिक अथवा एक ही दिशा में होता है। स्वपोषी जीवों द्वारा ग्रहण की गई ऊर्जा पुनः सौर ऊर्जा में परिवर्तित नहीं होती है, तथा शाकाहारियों को स्थानांतरित की गई ऊर्जा पुनः स्वपोषी जीवों को उपलब्ध नहीं होती है। इनके कहने का मतलब है कि जो इधर पे आपका चार्ट बना हुआ है तो इसको आप थोड़ा समझ लीजिए। इनके कहने का मतलब है कि जो आपका सूर्य का प्रकाश है, सूर्य का प्रकाश आपका उत्पादक में जाएगा, उत्पादक से जो ऊर्जा मिलेगी आपको शाकाहारी को मिलेगी, शाकाहारी से जो ऊर्जा मिलेगी मांसाहारी को मिलेगी, मांसाहारी से जो ऊर्जा आपकी शीर्ष मांसाहारी को मिलेगी, यानी सब कुछ खाने वाला पूरा मांस भक्षी बिल्कुल, तो उसको मिलेगी। लेकिन अगर आप सोचें कि इसमें जो ऊर्जा है वो वापस आप इसको दे दें, या इसमें जो ऊर्जा है वो वापस आप इसको दे दें, तो वो आपका संभव नहीं है, ठीक है। ये चीज बताने की कोशिश कर रहा है। इसको देखिएगा थोड़ा आगे, जैसे ही यह विभिन्न पोषी स्तरों पर क्रमिक स्थानांतरित, यानी उसमें बता रखा था कि एक दिशिक होता है, वो चीज़ आपको समझ में आ गई कि नहीं आई, कमेंट करके बता दीजिएगा। आगे देखिएगा, जैसे हम विभिन्न पोषी स्तरों पर क्रमिक स्थानांतरित होती है, अपने से पहले स्तर के लिए उपलब्ध नहीं होती है, दूसरी प्रत्येक स्तर पर ऊर्जा की हानि के कारण प्रथम पोषी स्तर पर उपलब्ध ऊर्जा में उत्तरोत्तर हानि होती जाती है। तो वो चीज़ तो मैंने बताई थी, अगर आपकी सबसे नीचे क्या है 100% जाए तो वो उसको 10% ऊपर जाएगा, 10% ऊपर जाएगा यानी आपका 10 बचेगा, 10% अगर है तो इसके बाद अगर कोई चीज ऊपर जाती है तो वो आपकी 1% बचेगी, यानी धीरे धीरे उसका हानि होता जाता है, वो चीज बता रहा है। आगे देखिएगा, आहार श्रृंखला का एक भाग आयाम यह भी है कि हमारी जानकारी के बिना ही कुछ हानिकारक रासायनिक पदार्थ आहार श्रृंखला के होते हुए हमारे शरीर में प्रविष्ट करते हैं। अब इसमें देखिए, कुछ आपके हानिकारक रासायनिक पदार्थ हैं वो हमारे शरीर में प्रविष्ट कर जाते हैं श्रृंखला के आधार पर। तो किस प्रकार प्रविष्ट करते हैं, देखिए इसको समझिएगा। आप कक्षा 9th में पढ़ चुके हैं कि जल प्रदूषण किस प्रकार होता है। इसका एक कारण है कि विभिन्न फसलों को देखिए रोग हो जाते हैं, एवं पीड़कों से बचने के लिए पीड़क नाशक एवं रसायन का अत्यधिक प्रयोग किया जाता है। देखिए फसलों में कीड़े लग जाते हैं, वो फसलों को खा लेते हैं पूरा, फसलों में कुछ नहीं निकलता है, या फिर फसलों में रोग लग जाता है तो फसल खराब हो जाती है। अब इन चीज़ों से बचने के लिए क्या होता है, फसलों में
जो आपकी खाद या कीटनाशक है वो डाल दिए जाते हैं फर्टिलाइजर, ठीक है। अब जो फर्टिलाइजर डाल दिए जाते हैं वो जब अत्यधिक प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है, अब इसलिए मिट्टी को क्या करना चाहिए, जो मिट्टी है उसको चेक करवा के खाद डालना चाहिए कि इसमें कितनी की कितनी कितनी खाद चाहिए उतनी ही डालना चाहिए। लेकिन अगर हम उसमें ज़्यादा खाद डालते हैं तो उसमें क्या होता है, जैसे बारिश हुई तो बारिश के जरिए जो उसमें रसायन पदार्थ हैं वो घुल के बारिश में पानी में जाके नालों के जरिए हमारे जो पेयजल है, जो हमारा पेयजल है या फिर जो आपका भूम जल है उसमें मिल जाते हैं। और भूम जल के मिलने के कारण क्या होगा, जड़ों के द्वारा जो आपका पौधा है वो भूम जल को सोखेगा, भूम जल उससे लेगा और भूम जल से लेगा तो ये इसको भी ले लेता है। तो ये जो आपके खतरनाक पदार्थ हैं वो पेड़ पौधों में और फलों में चले जाते हैं और फलों में जाने के कारण हमारे हमारी बॉडी में आराम से चले जाते हैं, क्योंकि फल फूल हम खाएंगे, सब्जियां खाएंगे तो हमारी बॉडी में आसानी से चले जाते हैं। देखिए कि रासायनिक क्या होते हैं, ये रसायन बहकर मिट्टी में अथवा जल स्रोत में चले जाते हैं, वही तो चीज़ मैंने आपको बताई है, जल स्रोत यानी आपकी नदियों में चले जाते हैं। अब देखिए मिट्टी से इन पदार्थों का पौधों द्वारा जल एवं खनिजों के साथ अवशोषण हो जाता है। बता रखा है कि मिट्टी में इन पौधों का इन पदार्थों का पौधों द्वारा जल एवं खनिजों के साथ अवशोषण हो जाता है, यानी अगर पौधे जो हैं वो जड़ों से क्या करते हैं, खनिजों और जल का अवशोषण करते हैं, इस साथ साथ में इन इन पदार्थों का भी अवशोषण कर लेते हैं तथा जलाशयों में या जलीय पौधों एवं जंतुओं में प्रवेश कर जाता है। तो अगर जलाशयों की बात करें आप तो जलीय पौधों और जंतुओं को नुकसान पहुँचाएगा, और अगर आप ऐसे नॉर्मल स्थलीय पौधों की बात करें तो हम लोगों में नुकसान पहुँचाता है तथा जलाशयों में या ठीक है यह केवल एक तरीका है जिससे भी आहार श्रृंखला में प्रवेश करते हैं, वही तो बताया हुआ है कि तरीका है, क्योंकि ये पदार्थ आपके अजैव निम्नीकृत हैं, ठीक है। यह है प्रत्येक पोषी स्तर पर उत्तरोत्तर संग्रहित होते जाते हैं, क्योंकि किसी भी आहार श्रृंखला में मनुष्य शीर्षस्थ है। इसमें क्या है, आपका जो मनुष्य है वो शीर्षस्थ है, यानी जो आपका मनुष्य है आपका शाकाहारी भी हो सकता है, मांसाहारी भी हो सकता है, सर्वाहारी भी हो सकता है, ठीक है। देखिए आगे अतः हमारे शरीर में यह रासायनिक सर्वाधिक मात्रा में संचित हो जाते हैं। अभी रसायन हमारे हमारे बॉडी में सर्वाधिक मात्रा में संचित हो गए तो हमें नुकसान करेंगे। देखिए इसे जैव आवर्धन कहते हैं, इसे हम क्या कहेंगे, जैव आवर्धन कहेंगे। यही कारण है कि हमारे खाद्यान्न गेहूं तथा चावल सब्जियां फल तथा मांस में पीड़क रसायन के अपशिष्ट विशिष्ट विभिन्न मात्रा में उपलब्ध उपस्थित होते हैं। तो ये जो आपके पीड़क रसायन है जो आपके खाद के द्वारा हमारी बॉडी में चले जाते हैं, क्योंकि हम गेहूं चावल वगैरह सब्जियां मांस फल सब्जी सी सब कुछ खाएंगे तो हमारी बॉडी में ये चीज़ें चली जाती हैं। आगे देखिएगा उन्हें पानी से धोकर अथवा अन्य प्रकार से अलग नहीं किया जाएगा। अब ऊपर थोड़ी ना लगा है जो पानी से धोकर अलग किया जाए, वो तो उसमें अंदर की साइड ही है, फल फूल में अंदर ही रहेगा तो उसमें कहाँ से हम अलग कर देंगे उसको। आगे देखिएगा इसमें क्या पूछ रहा है, इधर पे थोड़ा देखिएगा, इसमें प्रश्न दिए हुए हैं, पोषी स्तर क्या है, एक आहार श्रृंखला का उदाहरण दीजिए तथा इसके विभिन्न पोषी स्तर बताइए। तो देखिए पोषी स्तर हम पढ़ चुके हैं तो आपको समझ में आ गया होगा कि पोषी स्तर क्या है। आहार श्रृंखला का मैं आपको उदाहरण दे देती हूँ। तो देखिए अगर आहार श्रृंखला की हम बात करें तो सबसे पहले तो आपको पता है कि आपके प्रथम पोषी स्तर आता है जो कि आपका घास पेड़ पौधे आप कुछ भी बोल सकते हैं, घास मान लीजिए, ठीक है। अब घास को कौन खाएगा, तो इसमें आप देखिए कि कीड़े जो आपके होते हैं टिड्डे वगैरह होते हैं घास को खा लेते हैं। अब हम कीड़ों की बात करें तो कीड़ों को मेंढक खा लेता है। अब मेंढक खा लेता है आपका, अब मेंढक को कौन खाता है, मेंढक को आपके स्नेक यानी सांप खा लेते हैं। अब जब सांप इसको खा लेते हैं तो सांप को कौन खाएगा, तो सांप को आपका गिद्ध खा लेता है। तो ये होते हैं आपके पोषी स्तर, और जो आपका प्रथम पोषी स्तर है वो आपका घास है, और जो आपका गिद्ध है आपका अंतिम पोषी स्तर है। आगे देखिएगा पारितंत्र में अपमार्जकों की क्या भूमिका है। तो देखिए जो आपके अपमार्जक हैं अपघटक हैं तो इनकी भूमिका इतनी बड़ी है कि अगर कोई जीव जंतु मर जाता है, पेड़ पौधे मर जाते हैं, तो जो होते हैं उनको छोटे छोटे जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनको अपघटित कर देते हैं, और अपघटित करने के कारण क्या होते हैं कि हमारे पर्यावरण में बदबू नहीं फैलती है, गंदगी नहीं फैलती है और साफ सफाई बनी रहती है। आगे देखिएगा इसको हमारे क्रियाकलाप पर्यावरण को किस प्रकार प्रभावित करते हैं। तो देखते हैं कि आखिर हमारे जो क्रियाकलाप है उससे पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है। हम सब पर्यावरण का समेकित भाग हैं, बिल्कुल हम पर्यावरण का एक भाग हैं। पर्यावरण में परिवर्तन हमें प्रभावित करते हैं, अगर पर्यावरण में कोई परिवर्तन होता है तो हमें प्रभावित करेंगे, ठीक है। तथा हमारे क्रियाकलाप गतिविधियों हमारे चारों ओर के पर्यावरण को प्रभावित करते हैं, यानी जो हम क्रियाकलाप करते हैं, जो हम गतिविधियाँ करते हैं, ठीक है, जो हम क्या करते हैं पेड़ पौधों को काटते हैं तो हमारे पर्यावरण को प्रभावित होता है इससे, ठीक है, हमारा पर्यावरण नुकसान में जाता है। कक्षा 9th में हम पढ़ चुके हैं कि हमारे क्रियाकलाप पर्यावरण को किस प्रकार प्रभावित करते हैं। इस भाग में हम पर्यावरण संबंधी
दो समस्याओं के विषय में विस्तार से चर्चा करेंगे। वो जो आपकी दो समस्याएं, एक तो आपका ओजोन परत का क्षय है और दूसरा आपका इधर पे आपका कचरा प्रबंधन यानी आपका अपशिष्ट निपटान है, यानी जो अपशिष्ट निकलता है उसका निपटान कैसे होना चाहिए। तो देखिए सबसे पहले हम देखेंगे इधर पे ओजोन परत का क्षय। तो देखते हैं कि आखिर ओजोन परत का अपक्षय इधर पे देखते हैं, ओजोन परत तथा यह किस प्रकार अपक्षयित होती है। पहली बात तो ओजोन परत बनती कैसे है और दूसरी चीज आपकी देखिए ओजोन परत का क्षय कैसे होता है, यानी ये नुकसान में कैसे जा रही है, इसको हानि किस प्रकार से पहुंच रही है, इन दो बातों के बारे में इधर पे देखेंगे। देखिएगा इधर पे ओजोन O3 के अणु ऑक्सीजन के तीन परमाणुओं से बनते हैं। O3 का जो अणु बनता है कब बनता है, तो देखिए O प्लस O प्लस O जब जाके आपका बनेगा इधर पे O3, और जो आपका O3 होता है आपका ओजोन का फॉर्मूला होता है। जबकि सामान्य ऑक्सीजन जिसके विषय में हम प्राय चर्चा करते हैं, तो आपका जो सामान्य ऑक्सीजन होता है जो हम सांस लेते हैं वो तो आपका O2 होता है, यानी उसमें ऑक्सीजन के ओनली दो अणु होते हैं, और अगर देखिए O3 है तो वो हमारे लिए नुकसानदायक है। कब नुकसानदायक है, वो निचली परत में नुकसानदायक है, ठीक है। ऊपर वाली परत में तो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा है, ठीक है, लाभदायक है, लेकिन जहां आपका O2 है उधर पे अगर आपका O3 आ जाता है तो वो नुकसानदायक है आपके लिए। आगे देखिएगा चीजों को, जैसे आपका क्षोभ मंडल होता है तो क्षोभ मंडल में अगर आपका O3 पाया जाता है तो वो नुकसानदायक है, लेकिन अगर ये समताप मंडल में पाया जाता है तो समताप मंडल में आपके लिए बहुत ही ज़्यादा सुविधाजनक और लाभदायक है। तो देखिए जो आपका पहली बात तो आपको नोट कर लीजिए कि जो आपकी ओजोन परत पाई जाती है वो आपकी समताप मंडल में पाई जाती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है कि ओजोन की परत आपकी किस मंडल में पाई जाती है, तो आपकी समताप मंडल में पाई जाती है, जहाँ ऑक्सीजन सभी प्रकार के वायवीय जीवों के लिए आवश्यक है, यानी जो आपका O2 है वो क्या है आपका सभी वायवीय जीवों के लिए आवश्यक है, बिल्कुल आवश्यक है, बिना सांस के कोई भी नहीं रह सकता है, ठीक है। वही ओजोन एक घातक विष है, मैंने आपको बताया कि ओजोन घातक विष है, लेकिन ओजोन क्षोभ मंडल में घातक विष है लेकिन समताप मंडल में घातक विष नहीं है, समताप मंडल में बहुत ही अच्छा कार्य करता है देखिए, परंतु वायुमंडल के ऊपरी स्तर में ओजोन एक आवश्यक प्रकार संपादित करती है, वही तो इसमें बताया कि उसके ऊपरी मंडल में वायुमंडल के यानी समताप मंडल में, ठीक है। यह सूर्य से आने वाली परावैगनी विकिरण से पृथ्वी की सुरक्षा करती है, सूर्य से जो परावैगनी विकिरण आते हैं उससे क्या करती है, जो परावैगनी विकिरण होते हैं आपके बहुत ही खतरनाक होते हैं, ठीक है। अगर ये सूर्य के परावैगनी विकिरण आपकी त्वचा पे सीधे पड़ते हैं तो इससे हमें त्वचा कैंसर की शिकायत आती है, ठीक है, तो ये उसको सोख लेती है ओजोन, और जिससे वो जो आपका परावैगनी विकिरण है हमारी बॉडी तक नहीं पहुंच पाता है, जिससे हम त्वचा कैंसर से बचे रहते हैं, ठीक है। यह सूर्य से आने वाले परावैगनी विकिरण से पृथ्वी की सुरक्षा करती है, यह परावैगनी विकिरण जीवों के लिए अत्यंत हानिकारक है, वही तो मैंने आपको बताया है कि अत्यंत हानिकारक है। उदाहरण, यह गैस मानव में त्वचा का कैंसर उत्पन्न करती है और यह आपको मोतियाबिंद की शिकायत भी करती है, ठीक है। और जहां पे भी मोतियाबिंद आपका देखिए जहां पे भी O3 की किरणें वो सॉरी परावैगनी किरणें आपकी सीधी पड़ती हैं तो वहां के उन देशों में क्या होता है, उधर पे आपका त्वचा कैंसर और इसके अलावा मोतियाबिंद की शिकायत आती है। आगे देखिएगा, वायुमंडल के उच्चतर स्तर पर परावैगनी यानी आपकी अल्ट्रा वायलेट रे, ठीक है, यूवी रे आपकी होती है, परावैगनी विकिरण के प्रभाव से ऑक्सीजन अणुओं से ओजोन बनती है। देखिए किस प्रकार बनती है ओजोन आपकी, जो आपका इधर पे बता रखा है कि जो आपकी यूवी किरणें हैं तो वो यूवी किरणों के प्रभाव से यानी आपकी जो अल्ट्रावायलेट किरणें हैं उनके प्रभाव से ऑक्सीजन अणुओं में ओजोन बनती है। किस प्रकार बनती है, देखिए जो आपका O2 है इसको ये परावैगनी किरणें क्या करती हैं, दो तोड़ देती हैं अलग अलग में। अब जी अलग अलग में तोड़ देंगी तो O और O में टूट जाएगा, और जब O और O में टूट जाता है दूसरे ऑक्सीजन से जाके क्रिया करता है और O3 का निर्माण कर देता है, ठीक है। इतनी चीज को याद रखिएगा किस प्रकार से आपका O3 का निर्माण होता है। उच्च ऊर्जा वाले परावैगनी विकिरण ऑक्सीजन अणुओं को विघटित कर स्वतंत्र ऑक्सीजन परमाणु बनाते हैं, यानी ऑक्सीजन तोड़ देंगे, यानी ये सांस लेने के काम भी नहीं रहेगी और आपकी इसमें आप ओजोन की परत भी नहीं रहेगी, और लेकिन ये जो अलग अलग ऑक्सीजन आपकी हो जाती है जाके इससे क्रिया कर लेती है फिर दूसरे ऑक्सीजन के अणु से जो हम सांस लेते हैं तो ये O3 बना देती है, यानी ओजोन बना देती है, याद रखिएगा इसको। ऑक्सीजन की स्वतंत्र परमाणु संयुक्त होकर ओजोन बनाते हैं, जैसा कि समीकरण में दर्शा गया है। तो मैंने आपको बता दिया है कि आपका O2 होगा, O2 में अगर आपकी परावैगनी किरणें पड़ती हैं तो डबल O में टूट जाएगा, यानी दोनों को OO में तोड़ देगा। अरे अभी OO क्या करेगा, एक ये जाके ऑक्सीजन से आपकी क्रिया करेगा, देखिए इधर पे फिर से करें इधर पे, तो देखिए इधर पे ये O जाएगा और इधर पे ऑक्सीजन से क्रिया करेगा और 3O बना देगा, यानी O3 बना देगा, तो ये ओजोन बन जाएगी आपकी, इस प्रकार से इसको तोड़ता रहता है। अंग देखिएगा, 1980 में वायुमंडल में ओजोन की मात्रा में तीव्रता से गिरावट आई है, यानी ओजोन की मात्रा आपकी तीव्रता से कमी है। क्यों कमी है, देखिए क्या कारण है, देखिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन मेन चीज आपकी जो CFC है इसके कारण क्या हुआ है आपका,
कि ओजोन परत में आपकी गिरावट आई। क्यों आई? क्योंकि इसमें जो क्लोरीन होता है, वो क्लोरीन जो है आपके ओजोन परत को बहुत ही ज्यादा अच्छा करता है, यानी इसका एक क्लोरीन का अणु ओजोन के करोड़ों अणु को बर्बाद कर देता है। इस चीज को याद रखिएगा, बहुत ही खतरनाक होती है। और देखिए कहाँ कहाँ इसका उपयोग होता है, इसको देखिएगा। जैसे मानव संश्लेषित रसायनों को इनका मुख्य कारक माना गया है। इसको देखिए, ये आपका जो शीतलन यानी कि इस चीज को ठंडा करने के लिए यानी आपका फ्रिज में काम आता था, अब इसका फ्रिज में काम नहीं आता है, क्योंकि ये सीएफसी जो है आपका बहुत ही तेजी से ओजोन का क्षय कर रहा था, इसलिए अब इसको फ्रिज में नहीं डाला जाता है। यहाँ देखिए, अग्निशमक के लिए इसका उपयोग किया जाता है, यानी जो आपके सिलेंडर वगैरह आते हैं, जो आपके सिलेंडर लगाए जाते हैं, उसमें भी आपके सीएफसी का उपयोग होता था, लेकिन अब इसमें उपयोग इसका नहीं होता है, क्योंकि जो आपका क्लोरीन है वो ओजोन के हजारों नहीं करोड़ों अणुओं को नुकसान कर देता है। ठीक है, 1987 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम जो आपका यूएनईपी में सर्वांतर्मुखी बनी कि सीएफसी के उत्पादन को 1986 के स्तर पर ही सीमित रख दिया, यानी 1986 में इसको क्या किया, बैन कर दिया गया सीएफसी को। सीएफसी का आपका फुल फॉर्म होता है क्लोरो फ्लोरो कार्बन। अब यह अनिवार्य है कि दुनिया भर की सभी विनिर्माण कंपनियां सीएफसी रहित रेफ्रिजरेटर बनाती हैं, यानी जो इनके फ्रिज बनाने की जो कंपनियां हैं वो सीएफसी रहित बनाती हैं, यानी उनमें आपका सीएफसी नहीं होता है। आपका दूसरा पॉइंट है कचरा प्रबंधन, यानी जो हम कचरा करते हैं उसका प्रबंधन किस प्रकार से आपका होता है। अपनी दैनिक गतिविधियों में, यानी जो हम दैनिक गतिविधियों उनमें क्या होता है, ऐसे पदार्थ उत्पादित होते हैं जिनमें फेंकना पड़ता है, ऐसे कुछ पदार्थ आपके निकलते हैं, जैसे आपने सब्जी बनाई तो उसमें आपके सब्जी के छिकले वगैरह निकलते हैं, तो वो आपका एक अपशिष्ट पदार्थ होगा। ठीक है, अब जो अपशिष्ट पदार्थ हैं जब हम उन्हें फेंक देते हैं तो उनका क्या होता है, देखिए उनका क्या होगा जब हम उनको फेंक देंगे, तो अगर वो पर्यावरण में रहते हैं, जो आपके अपशिष्ट पदार्थ है वो पर्यावरण में रहते हैं, तो वो तो बदबू करेंगे पर्यावरण को, और जब बदबू करेंगे तो हमें तरह तरह की बीमारियां भी उत्पन्न होगी। देखिएगा आगे, हमने जैव प्रक्रम वाले अध्याय में पढ़ा था कि हमारे द्वारा खाए गए भोजन का पाचन विभिन्न एंजाइमों द्वारा होता है। बिल्कुल, हमने जैव क्रम तो इतना डिटेल में पढ़ा था कि 3 और 4 पार्ट में आपका गया था, अगर आपने नहीं पढ़ा तो आप उसको जाके देख लीजिए, जैव प्रक्रम आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। क्या आपने कभी सोचा है कि एक ही एंजाइम भोजन के सभी पदार्थों का पाचन क्यों नहीं करता है? अब एक एंजाइम नहीं कर सकता ना सभी भोजन के पदार्थों का पाचन, तो नहीं करता है। एंजाइम अपनी क्रिया में विशिष्ट होते हैं, यानी जो उनको काम दिया जाता है तो वो उसी का पाचन करेंगे। किसी विशेष प्रकार के पदार्थ के पाचन के लिए, पाचन को अपघटन भी कहते हैं, तो देखिए पदार्थ के पाचन के लिए विशिष्ट एंजाइम की आवश्यकता होती है। यानी देखिए, अगर कोई चीज़ हमें पाचन करवानी है तो एंजाइम भी वैसा ही होना चाहिए कि जो उस चीज का पाचन कर सके। इसलिए कोयला खाने से हमें ऊर्जा प्राप्त नहीं हो सकती, क्या होता है आपका, इसलिए कोयला खाने से आपको ऊर्जा प्राप्त नहीं हो सकती। इसी कारण बहुत से मानव निर्मित पदार्थ जैसे कि आपका प्लास्टिक का अपघटन, अब इधर पे आप चीजों को देखिए, जो आपका प्लास्टिक है उसका अपघटन, ठीक है, प्लास्टिक का अपघटन जीवाणु अथवा दूसरे मृत जीवों द्वारा नहीं होता है। इनके कहने का मतलब है, इतनी देर से ये चीज समझाने की कोशिश कर रहे हैं, जो आपका एंजाइम होगा वो हर एक भोजन को नहीं पचा सकता है, कोई एक एंजाइम होगा वो विशिष्ट प्रकार का ही पाचन कर सकता है। इसी प्रकार से जो आपके अपघटन है, यानी छोटे छोटे जो आपके सूक्ष्म जीव हैं, वो आपके प्लास्टिक का अपघटन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब इधर पे यही चीज बताने की कोशिश कर रहा है कि उनमें जितनी क्षमता होगी और उन्हें जिस चीज कि वो अपघटन कर सकते हैं तो कर देंगे, लेकिन प्लास्टिक का अपघटन नहीं कर पाते हैं। प्लास्टिक का अपघटन जीवाणु अथवा दूसरे मृत जीवों द्वारा नहीं हो सकता है। इन पदार्थों पर भौतिक प्रक्रम जैसे कि ऊष्मा तथा दाब का प्रभाव होता है, परंतु सामान्य अवस्था में लंबे समय तक पर्यावरण में बने रहते हैं। तो जो आपका प्लास्टिक है बहुत ही लंबे समय तक पर्यावरण में बना रहता है, इनका अपघटन नहीं होता है। अभी जो आपके अपघटन नहीं होता है तो इनसे हमें बहुत नुकसान पहुँचते हैं। ठीक है, वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित नहीं होते हैं, यानी सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटित नहीं किए जा सकते हैं, तो जो आपके नहीं किया जा सकते हैं तो उनको हम क्या कहते हैं, आपके देखिए जैव निम्नीकरणीय कहलाते हैं। जो आपके जैव निम्नीकरणीय होते हैं, वे पदार्थ जो जैव प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं उनको हम जैव निम्नीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? जैव निम्नीकरण कहते हैं, जो अपघटित हो जाते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, अब ये इधर पर आपका प्लास्टिक नहीं आएगा। कहलाते हैं आपके द्वारा दबाए गए पदार्थों में से कितने जैव निम्नीकरण है, अब एक गड्ढा करिएगा, उसमें आप कुछ चीज़ों को डालिएगा, छिकले डाल दिएगा सब्जियों के, प्लास्टिक डालिएगा, कपड़ा डालिएगा, उसमें काफ़ी चीज़ें डाल के रख दीजिएगा, उसमें देखिएगा क्रियाकलाप करने के बाद कि कितनी चीज़ें जैव निम्नीकरण है, कितनी चीज़ें अजैव निम्नीकरण है। वे पदार्थ जो इस प्रक्रम में अपघटित नहीं होते,
अजैव निम्नीकरण कहलाते हैं। अब जो अपघटित नहीं हो रहे हैं उनको हम क्या कहेंगे, वो आपके अजैव निम्नीकरण कहलाएंगे। बाकी आगे देखिएगा, और जो आपके अपघटित हो जाते हैं वो आपके क्या कहलाएंगे, जैव निम्नीकरण कहलाएंगे, और जो नहीं होते हैं वो आपके अजैव निम्नीकरण कहलाते हैं। यह पदार्थ सामान्यतः अक्रिय है, यानी अक्रिय यानी इनका अपघटन नहीं हो रहा है, तथा लंबे समय तक पर्यावरण में बने रहते हैं अथवा पर्यावरण के अन्य सदस्यों को हानि पहुंचाते हैं। अभी पर्यावरण में बने तो रहते हैं वो तो ठीक है, लेकिन ये क्या करते हैं, जो अन्य सदस्य पर्यावरण के उनको बहुत ही ज्यादा हानि पहुंचाते हैं। जैसे आपको पता है कि अभी प्लास्टिक का आपका मैटर चल रहा है, जो आपका प्लास्टिक है वो आपका अजैव निम्नीकरण है, यानी उसका वो मतलब अक्रिय है, उसका अपघटन नहीं किया जा सकता है, तो उसमें क्या होता है, वो पर्यावरण की दूसरे सदस्य को हानि पहुंचाता है और पर्यावरण में बना रहता है। आगे देखिएगा, किसी भी नगर एवं कस्बे में जाने पर चारों ओर कचरे के ढेरे दिखाई देते हैं, बिल्कुल दिखाई देते हैं। किसी पर्यटन स्थल पर जाने पर हमें विश्वास है कि वहां पर बड़ी मात्रा में खाद्य पदार्थों की थैलियां इधर उधर फैली हुई दिख जाएंगी, आपको बिल्कुल दिख जाएंगी। पिछली कक्षाओं में हमने स्वयं द्वारा उत्पादित इस कचरे से निपटान के उपयोग पर चर्चा की थी, आइए इस समस्या पर अधिक गंभीरता से ध्यान देते हैं। तो देखिएगा, इस समस्या पर अधिक गंभीरता से ध्यान देते हैं। तो देखिए, इसमें आपके जो इसमें क्वेश्चन दिए हुए हैं इसको थोड़ा देख लेते हैं। देखिए, क्या कारण है कि कुछ पदार्थ जैव निम्नीकरण होते हैं और कुछ पदार्थ आपके अजैव निम्नीकरण होते हैं। जो आपके सूक्ष्म जीवों के द्वारा जिनका अपघटन हो जाता है वो पदार्थ आपके जैव निम्नीकरण होते हैं, और जिनके द्वारा आपका पदार्थों का अपघटन नहीं हो पाता है, अक्रिय होते हैं, वो आपके अजैव निम्नीकरण कहलाते हैं। अगर देखिए, ऐसे तो तरीके सुझाई है जिनमें जैव निम्नीकरण पदार्थ पर्यावरण को प्रभावित करते हैं। तो देखिए, जो आपके जैव निम्नीकरण है पर्यावरण को किस प्रकार प्रभावित करते हैं, अगर इनका जो आपके जैव निम्नीकरण है ये जो पदार्थ हैं आपके सड़ गल जाए तो इससे बहुत बदबू फैलती है, और बदबू फैलने के कारण हम बीमार भी हो सकते हैं, पर्यावरण भी आपका खराब होता है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन देखिएगा, इनमें अजैव निम्नीकरण पदार्थ पर्यावरण को किस प्रकार प्रभावित करते हैं। तो देखिए, जो आपके अजैव निम्नीकरण पदार्थ है जैसे आपका प्लास्टिक हुआ, तो ये क्या करते हैं, सूक्ष्म के द्वारा अपघटित नहीं हो पाते, और अपघटित नहीं होंगे तो ये पर्यावरण को दूसरे जो सदस्य पर्यावरण के उनको बहुत ही नुकसान पहुंचाते हैं। अब इनका अपघटन नहीं होगा तो बहुत ही ज्यादा नुकसान पहुंचा देते हैं, यही चीज आपके इधर के आंसर है। देखिए, क्रियाकलाप आपके बहुत सारे दिए हुए हैं। आगे देखिएगा, हमारी जीवन शैली में सुधार के साथ उत्पादित कचरे की मात्रा भी बहुत अधिक बढ़ गई है, यानी कचरा तो हम बहुत कर रहे हैं, ठीक है। हमारी अभिवृत्ति में परिवर्तन भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करता है। हम प्रयोज्य वस्तुओं का प्रयोग करने लगे हैं, पैकेजिंग के तरीकों में बदलाव में अजैव निम्नीकरण वस्तु के कचरे में पर्याप्त वृद्धि हुई है, आपके विचार से इन सब का हमारे पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए, बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ रहा है हमारे पर्यावरण पर, जो भी प्लास्टिक वगैरह हम यूज करते हैं, सिंगल प्लास्टिक, और जो उसमें पैकिंग होता है आपका खाना पैक होता है उसमें, मतलब हर चीज़ की पैकिंग होती है, और थैली आपकी ऐसी ही फेंक दी जाती है, तो उससे हमारे पर्यावरण पर बहुत ही प्रभाव पड़ा है, क्योंकि उसका जो है निम्नीकरण आपका नहीं हो पाता है, अपघटन नहीं हो पाता है। इस पर विचार कीजिए, रेलगाड़ी में कप तो देख लीजिए, आपकी रेलगाड़ी में जो आपका है, सबसे पहले कांच के गिलास चलते थे, तो कांच के गिलास में क्या है कि जो चाय वाला आता था ले जाता था वापस, ठीक है, उसने धो दिया गिलास। फिर इसके बाद क्या हुआ, कुल्हड़ चलने चले। अब कुल्हड़ जो आपके चलने चले तो उसमें जो आपकी मिट्टी थी, इतनी ज़्यादा मिट्टी उपयोग में लाई गई, इतनी ज़्यादा, और कौन सी मिट्टी, आपकी उपजाऊ मिट्टी। अब उपजाऊ मिट्टी हद से ज़्यादा उपयोग में लाई गई, तो उससे आपका उपजाऊ मिट्टी का नुकसान हुआ। अब जब तीसरी बात आई तो उसमें आपके कप आ गए, ये जो आपके कप आ गए प्लास्टिक के कप, चाय पी और फेंक दी। अब वो रेलवे स्टेशन पर हद से ज़्यादा आपके डले हुए मिलते हैं, और उससे जो आपके डिस्पोजल प्लास्टिक होता है उससे हद से ज़्यादा हमारा पर्यावरण नुकसान कर रहा है। आगे देखिएगा, ओजोन क्या है तथा यह किसी पारितंत्र को किस प्रकार प्रभावित करता है। तो देखिए, ओजोन जो आपका है ओ के तीन अणुओं से मिलकर बनता है, तो आपका O3 बन जाता है, तो ये आपका ओजोन बनता है। पारितंत्र को किस प्रकार प्रभावित करता है, तो जो आपकी यूवी रेज होती है सूर्य से आने वाली, उससे आपको क्या होता है, अगर यूवी रेज आपकी बॉडी पे सीधे पड़ती है तो देखिए आपकी बॉडी में क्या हो सकता है, आपकी बॉडी में त्वचा कैंसर हो सकता है, और इसके अलावा आपको मोतियाबिंद की शिकायत आ सकती है। आएगी, क्यों नहीं आ सकती, आ सकती नहीं, आएगी, पक्का आएगी, अगर सीधी आपकी यूवी रेज आपको पड़ती है तो। लेकिन ओजोन जो है उसको अवशोषित कर लेता है और हम तक नहीं पहुंचने देता है। लेकिन ये आपका क्षोभ मंडल में है तो आपको नुकसानदायक है, लेकिन अगर समताप मंडल में तो बहुत ही फायदेमंद है, क्योंकि ये अल्ट्रावायलेट किरणें जो आपकी आती हैं उनको रोक लेता है, अवशोषित कर लेता है। अच्छी बात है कि आपका समताप मंडल में ही स्थित है, याद रखिएगा कौन से मंडल में, समताप मंडल में स्थित है। आगे देखिएगा, क्या कचरा निपटान की समस्या कम करने में इसका योगदान कर सकते हैं, किन्हीं दो तरीकों का वर्णन कीजिए। तो देखिए, हम बिल्कुल योगदान कर सकते हैं, जो आपका कचरा है उसको
गड्ढे में डालते जाइए तो उसका अपघटन होता जाएगा। इसके अलावा जो प्लास्टिक है उसका आप यूज कम करेंगे तो उसमें भी आप पर्यावरण हितैषी हो जाएंगे। अब देखिए हमने क्या सीखा, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, याद रखना है जो जो चीज़ें मैंने आपको टिक करवाई हैं कि ये चीज़ याद रखें, वो चीज़ याद रखें, तो वो चीज़ें आपको याद रखनी है। इसके अलावा जो आपका ओजोन परत नुकसान, ओजोन परत को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचता है वो आपका CFC से पहुँचता है, इस चीज़ को याद रखिएगा। अभ्यास का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि आप अभ्यास को कर सकें। और इसके अलावा आपका लास्ट चैप्टर बचा हुआ है एक और, ठीक है, वो आपका थोड़ा बड़ा चैप्टर है, उसको हम दो पार्ट में करेंगे, लेकिन बहुत ही सिंपल है, पर्यावरण के बारे में ही उसमें दिया हुआ है, बहुत ही सिंपल आपका चैप्टर। और देखिए वीडियो में अगर आपको 1 पॉइंट भी कुछ चीज़ें समझ में आई तो प्लीज़ करके इसको लाइक करिएगा, और अगर आपको थोड़ी बहुत भी चीज़ें समझ में आती हैं तो वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, और अगर चीज़ें आपको कम समझ में आती तो वीडियो को एक बार फिर से देखिएगा, ताकि चीज़ें आपको रिपीट करने की वजह से चीज़ें हमें याद रहती हैं, अगर हमने चीज़ें रिपीट नहीं की तो चीज़ें हमें भूल जाती हैं। तो इस चीज़ को याद रखिएगा कि बार बार रिवीजन हमें करना होगा चीज़ों का, ताकि चीज़ें हमें याद रहें, चीज़ों को आपको याद करना ही होगा, क्योंकि अगर हमें जॉब पानी है तो चीज़ों को पढ़ना तो पड़ेगा ही। और इसके अलावा देखिएगा वीडियो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बगल में लगे बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे सबसे पहले। तो चलिए अब दोस्तों मिलेंगे कल, और अब नया चैप्टर है आपका, लास्ट चैप्टर है, नया है, लास्ट है, और मिलेंगे अब कल नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।